इसलिए हमने कहा कि मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा और हमारे अधिकारीगण भी, जब तक सड़क अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाएगी, अंतिम छोर तक नहीं पहुंच जाएगी, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और कहीं पर अगर कोई इस प्रकार के अधिकारी अगर जिम्मेदार पाए जाएंगे, यहाँ पर भी हिला आवाज होगी, तो उनको भी जिम्मेदार बनाया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुमगाई। धामी 2.0 के कार्यकाल का आगाज, यानी अधिकारियों पर गाज, उत्तराखंड के फायर सीएम एक्शन मोड में है। धामी की दहाड़ फैसलों में तो फैसलों में, अफसरों के कानों में भी गूंज रही है। 20 दिन भी पूरे नहीं हुए धामी को सीएम पद फिर से संभाले हुए, लेकिन लगता है प्रदेश के नरम रवैये वाले मुख्य अपने दूसरे कार्यकाल के सफर पर सख्ती की छड़ी पकड़ कर निकले हैं। अपने पहले कार्यकाल के 8 महीनों में सीएम पुष्कर सिंह धामी का संजीदा स्वभाव जनता को भाया, लेकिन उनके इस बार के आक्रामक रूप से ज्यादा नहीं। अपनी दूसरी पारी में क्रीज पर उतरते ही सीएम धामी लेसिक्स पर सिक्स चढ़े जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में प्रदेश देखेगा उनके उन्हीं एक्शन की झलक। नए से पुराने पर जाएंगे, शुरुआत सीएम की ताकत चेतावनी से। सोमवार को अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े लहजे में निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं किए जाने की बात कह दी है। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में धामी ने कहा है कि कार्यों की गुणवत्ता को लेकर किसी भी तरह की शिकायत आने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा PMGSY की अधूरी तैयारी पर भी सीएम भड़क उठे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा अधूरी तैयारी के साथ आने पर नाराजगी जताई। उन्होंने बैठक बीच में स्थगित करते हुए निर्देश दिए कि एक हफ्ते बाद विभागीय अधिकारी पूरी तैयारी के साथ आए। प्रदेश के गांव-गांव को सड़क के माध्यम से जोड़ने को लेकर सीएम अधिकारियों को निशाना बनाते क्या बोले, खुद सुनिए। और विकास को अगर हम ले जाना चाहते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए सड़क जरूरी है। इसलिए हमने कहा कि मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा और हमारे अधिकारीगण भी, जब तक सड़क अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाएगी, अंतिम छोर तक नहीं पहुंच जाएगी, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। यह अकेला मौका नहीं था अफसरों को धामी कठोर कार्रवाई की चेतावनी एक और मुद्दे पर दे चुके हैं, पर किस पर? दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ब्यूरोक्रेसी को लेकर सख्ती बरतते दिखे हैं। उन्होंने मुख्य सचिव SS संधू को निर्देश देते हुए साफ कहा है कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी समय से कार्यालय आए और कार्यालय अवधि में पूरे मनोयोग से कार्य करें। ऐसा ना करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने अधिकारियों को जनता एवं जनप्रतिनिधियों के फोन उठाने और किन्हीं कारणों से फोन न उठा पाने की स्थिति में वापस फोन करने के भी निर्देश दिए हैं। वैसे अगर किसी को लगे कि मुख्यमंत्री सिर्फ कोरी धमकियां दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। धामी के फैसले इस बात के गवाह हैं कि इस बार सिर्फ बात नहीं होगी, बल्कि पहले काम होगा फिर वार्ता। पुष्कर सिंह धामी वाकई पीएम मोदी के आदर्शों पर चलते हैं। जितना बड़ा निर्णय उतनी शांति से उसे जनता के सामने पेश पीएम और सीएम दोनों कर देते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा ही फैसला है। धामी कैबिनेट की पहली ही बैठक में धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अहम फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा, समाज विधि विशेषज्ञ को मिलाकर हम एक समिति बनाएंगे, ये कमेटी ड्राफ्ट तैयार करेगी और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। और एक स्टेक होल्डर, विधि विशेषज्ञ और समाज के क्षेत्र में जिनका बड़ा अनुभव है, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन को बढ़ाना भी अच्छा फैसला रहा। वृद्धावस्था पेंशन पति पत्नी दोनों को मिलना, इसका स्वागत तो विपक्ष ने भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सतपाल महाराज के आग्रह पर अफसरों की SCR लिखने का अधिकार देने के लिए मुख्य सचिव को कमेटी गठित करने के आदेश दिए। ये भी अपने आप में बड़ा फैसला था। कुल मिलाकर पुष्कर सिंह धामी ने जैसा कि कहा था, वो 5 महीने के सीएम नहीं है, उन्हें लंबी पारी खेलनी है 5 सालों की। अब भाजपा के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को लेकर थोड़ा संदेह तो रहता है, लेकिन नहीं रहेगा अगर सीएम धामी ऐसे ही धुआंधार बैटिंग करते रहे तो। खैर, जो भी सियासी बॉल उत्तराखंड की राजनीतिक पिच पर डाली जाएगी, उसका क्या हुआ ये खबर आप तक आएगी। बस बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।